घर के दिन तेरे हवाले। तुम्हारी बहन की शादी की डेट फिक्स हो गई है जी। तुम्हारी मम्मी की कॉल आई थी मुझे। क्या कह रही थी? मेरा मतलब आपसे कुछ और तो नहीं कह रही थी? नहीं, कुछ खास नहीं। शायद कहने वाली थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वैसे जो तुमने गोल्ड का सेट चोरी करके उनको दिया है वो काफी नहीं था क्या उनके लिए? कमाल, अम्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। एक तो अम्मी भी ना जाने कब अपनी हरकतों से बाज आएंगी। हाँ भाई, कहाँ से आ रही हो? कहाँ गए थे? कहीं नहीं भाभी, बस साहिले समंदर पर। बस साहिले समंदर पर गए थे? और कहाँ जाते? खाया पिया नहीं? नहीं, मेरा मूड नहीं था। उस्मान ने तो बहुत कहा था खाने को। ओहो, घर पे भी कुछ नहीं है। वो अम्मी ने चावल बनाए थे लेकिन तो सब खत्म हो गए। तुम लोग क्या खाओगे? कोई बात नहीं भाभी, मैं उस्मान को कहूंगी, वो कुछ ले आएगा। ठीक है, अच्छा बात सुनो, तुम लोग जो भी मंगाओ ना मेरे लिए मंगा लो। कैसे आना हुआ? यहां से गुजर रही थी, सोचा तुम्हें बुलावा दे दूं। सारा की शादी का शॉपिंग के लिए निकली थी उसकी। कमाल कहाँ है? बाहर है। छुट्टी वाले दिन भी बाहर? खैर, इस घर को देखकर कसम से तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता है मुझे, रश्क। मेरी बेटी अल्लाह का शुक्र है ऐश कर रही है ऐश। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, मजे हैं तेरे जी। अच्छा सुनो, सारा की शादी पे क्या तोहफा दोगी सारा को? मेरा मतलब है साली के लिए कोई अच्छा तोहफा देगा ना कमाल? आप क्यों पूछ रही हैं? अरे क्यों गुस्सा कर रही है? इन्हीं मौके पे तो बहन बहन हुई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अम्मी, मैं आपकी मजीद मदद नहीं कर सकती, पहले ही बहुत मदद कर चुकी हूँ। आप नहीं जानती, सोने का सेट आपको देकर मैं पहले ही अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा चुकी हूँ। सब मुझसे नाराज हैं। बहुत ही छोटा दिल है सबका। जो भी है, कमाल को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा कर, फोन कर, बुलाओ उसे, मैं खुद बात कर लूंगी। आप कमाल से कोई बात नहीं करेंगी, वो पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती कर चुके हैं।